बीजेपी भगवान है कि 44 तक नरेंद्र मोदी रहेंगे। नरेंद्र मोदी को पटकनिया देने का काम कर किया जाएगा। ये तो नरेंद्र मोदी हड़बड़ा कर करके वन नेशन वन इलेक्शन का लाने जा रहे हैं, विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, ये उनमें घड़बड़ाहट है। मुंबई की मीटिंग खत्म हो गई लेकिन नीतीश कुमार को कुछ नहीं बनाया गया। नहीं देखिए, नीतीश कुमार हमारे बहुत बड़े नेता हैं, वो उनको कुछ स्पेशल कैटेगरिया में रखा जाता है। बहुत सारे लोग स्पेशल कैटेगरिया में, लालू यादव भी स्पेशल कैटेगरिया के लोग हैं, नीतीश कुमार स्पेशल कैटेगरिया के लोग हैं। तो समन्वय समिति जो बनाई गई है उसमें ललन सिंह को रखा गया है। जदयू से देना था, नीतीश कुमार ने ही नाम दिया ललन सिंह का, तो ललन सिंह बने। लालू जी ने नाम दिया तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव बने। और बाकी बहुत सारे काम है, अभी ये सब छोटा सा है, लड़ाई बहुत लंबी है। ये सब कोई पद वैल्यू नहीं रखता है, काम वैल्यू रहता है। नीतीश कुमार और लालू जी जो काम कर रहे हैं वो देश हित का काम कर रहे हैं और राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं। और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करना है, इस पर नीतीश कुमार और लालू यादव ही मेन भूमिका निभाने वाले हैं। किंग मेकर लालू यादव रहेंगे और नीतीश कुमार रहेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपना मन से नहीं लिए या दिया नहीं गया? नीतीश कुमार तो खुद बनाए, ललन सिंह को उन्होंने खुद बनाया, इसमें नहीं बनने का कहां सवाल है। नीतीश कुमार बनाने वाले लोगों में है, आप समझिए बात को। लालू यादव बनाने वाले लोगों में है, और भी अगर कुछ आगे जो पद उनके लायक जो पद है वो दिया जाएगा, जो अगर जरूरत पड़ी तो। बहुत सारे पद है, अभी तो कन्वेनर ही नहीं बनाया गया है, संयोजक नहीं बनाया गया है। लेकिन इससे पहले आप लोग ही बोलते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री के सारे गुण मौजूद हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार बिहार के गौरव हैं, बिहार के माटी के लोग हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव में जो है वो देश के राजनीति को बदल कर रख देंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार वहाँ से नाराज होकर तो नहीं आएंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें नाराजगी की क्या बात है, नाराजगी की कोई बात नहीं है। अभी एक छोटा छोटा सा बात के लिए लोग नाराज होने लगेंगे तो बड़ी लड़ाई कैसे जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार कमर कस चुके हैं, और नरेंद्र मोदी को पटकनिया देने का काम कर किया जाएगा। बीजेपी कर रही है 2024 से लेकर के 2044 तक के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। अरे बीजेपी क्या कर रही, बीजेपी भगवान है क्या? बीजेपी भगवान है कि 44 तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, 75 बरस उम्र हो उनका पार हो जाएगा तो उन्हीं के निर्देशानुसार वो हट जाएंगे। नरेंद्र मोदी के क्या मतलब हुआ? ये तो नरेंद्र मोदी हड़बड़ा कर करके वन नेशन वन इलेक्शन का लाने जा रहे हैं, विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं, ये उनमें घड़बड़ाहट है कि ये क्या हो रहा है। इंडिया जो बना है तब से नरेंद्र मोदी और भाजपा में बहुत सारा घड़बड़ाहट है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का आप हाव भाव देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो हार रहे हैं, हर एक जगह से हार रहे हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दे रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।